साथ आप देख रहे हैं न्यूज प्लस इंडिया। न्यूज प्लस इंडिया के साथ मैं यास्मीन खान। आइए रुक करते हैं आज के ताजा खबरों। दलालों से छुड़ाकर 40 नेपालियों लड़कियों को किया गया नेपाल पुलिस के सपोर्ट। भारत नेपाल की खुली सीमा मानव तस्करों के लिए काफी सुगम रास्ता है। मानव तस्कर नेपाल के पहाड़ी इलाकों में रहने वाली नेपाली लड़कियों को भारत में अच्छी नौकरी दिलाने का लालच देकर सीमा पार लेकर चले आते हैं और फिर इन्हें खड़ी देशों में भेज देते हैं। इसका खुलासा आज माइती इंडिया ने किया है। माइती इंडिया और गुजियाबाद पुलिस ने 40 नेपाली लड़कियों को मानव तस्करों से चंगुल से मुक्त कराकर एसपी नेपालगंज के सुपुर्द कर दिया है। इन सभी लड़कियों को दिल्ली दलाल द्वारा बाला फुसलाकर दिल्ली और गाजियाबाद ले जाया गया था। वहां से इन्हें खड़ी देशों में भेजा जाता। नेपाल के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में अत्यधिक गरीबी होने के कारण लड़की व लड़की के परिवारजन ऐसा करने को मजबूर रहते हैं। माइती इंडिया के फाउंडर बालकृष्ण पांडे ने बताया कि 33 लड़कियों को गाजियाबाद के इंद्रपुरम से बरामद किया गया है। यहां दलाल उन्हें 3 कमरों में बंद रखे थे। वहीं 3 लड़कियों को दिल्ली के जीबी रोड से मुक्त कराया गया है। इन्हें वहां से लाकर हम लोग आज नेपाल पुलिस को सौंप रहे हैं। पकड़ा गया केदार नाम का मानव तस्कर अब 500 नेपाली लड़कियों को खड़ी तस्करी में बेच चुका है। सर, आपने कितनी लड़कियों का रेस्क्यू किया और इन्हें कहां सुपुर्दगी करने और कहां से बरामदगी की आपने? देखिए, नेपाल भारत के खुला सीमा होने की वजह से आसानी से आना जाना होता है। विभिन्न तरीके से बहाना बना के नेपाली लड़कियों को एजेंट लोग या उनके आफंत लोग, परिजन लोग भी किसी न लालच में भारत लेके जाते हैं। इसी सिलसिला में दिल्ली के जीबी रोड से हम 3 लड़कियों को रेस्क्यू करके CWC के आदेश से नेपाल सरकार को सपोर्ट करने जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ है, गाजियाबाद इंद्रपुरम से 37 लड़कियों को 3 फ्लैट में डिफरेंट जगह में रखी गई थी। डिफरेंट तरीके से FIR भी 3 डिफरेंट है, उनको सारा कलेक्शन करके अभी 37 लड़कियों को हम रेस्क्यू करके लेके आ रहे हैं। साथ साथ एक गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया के थ्रू जितने भी अनलीगली सेटिंग करके जो भेजने वाला मेन डॉन केदार नाम का एजेंट है, उसको भी अरेस्ट किया गया। 5 में से 3 को भारत सरकार ने अरेस्ट करके जेल भेज चुका है और 2, 1 है नेपाल में है, 1 दुबई में है, उसको भी इंटरपोल नेपाल सरकार दुबई सरकार से मिलके उसको किसी तरह से भी फिर उसको कानून की कटघरा में लेके आना है। और हम इस तरह से जो मासूम गरीब अशिक्षित लड़कियों को नजायज फायदा उठाते हैं, उनके लिए हम भारत सरकार भी, नेपाल सरकार, नेपाल एम्बेसी, माइती इंडिया, नेपाली जनसंपर्क समिति सब लोग मिलके इसका निराकरण करना चाहते हैं और स्वच्छ और न्यायिक भावना से दोनों देशों मिलके काम करना चाहते हैं। अब तक केदार ने कितनी लड़कियों को खाड़ी देश भेजा होगा? उसका हमारा जो हमारे पास जो शिकायत आई है, पहले भी श्रीलंका से 125 लड़कियों को उसने बेचने का आरोप है। दिल्ली से महिपालपुर से 57 लड़कियों का था। इसी तरह से करीब 500 से ज़्यादा लड़कियों का उसने सप्लाई का आरोप हमारे पास था। हम काफ़ी टाइम से 2-3 साल से उसको ढूंढ रहे थे। आखिर वो किसी न किसी तरह से ये कानून की कड़घरा में आ ही गया। ये केदार कहाँ का रहने वाला है? ये अभी हिंदुस्तान के। आप ये इन लड़कियों को किसके सुपुर्द करेंगे? हम जाके नेपाल, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, सुपुर्द उनको परिवारजन के ही करने से पहला हम DM और पुलिस SSP को, पुलिस के उच्च अधिकारी को हैंडओवर करके इसके जड़ तक इसका इन्वेस्टिगेशन करके, ताकि भविष्य में ऐसा घटना नहीं घटे, अनलीगल काम नहीं हो, लड़कियों को फिर बेचा ना जा सके, लड़कियों को सुरक्षा किया जा सके, इसलिए नेपाल सरकार के ही हम हैंडओवर करेंगे। ऑडियो जंगल।